ऐसे समझना गलत होगा। अब रहा सवाल क्या ये बहुत खतरनाक होगा, खतरनाक होता होगा कि नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे सबूत हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला सबूत हमको ये चाहिए कि क्या ये वैक्सीन के रिस्पॉन्स को इवेड करता है, या वो वैक्सीन वैक्सीन उसके ऊपर असरकारक होगी या नहीं होगी। इसके बारे में अभी भी हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन डर तो बहुत ज्यादा बना हुआ रहेगा कि ये वैक्सीन के इफेक्ट को मानेगा नहीं। इसका मुख्य कारण जो है वो 32 म्यूटेशन अगर स्पाइक प्रोटीन में है, तो ये डर कुछ उसमें के गिने चुने म्यूटेशंस है, उन म्यूटेशन की वजह से एक डर लगता है कि ये वैक्सीन को मानेगा नहीं। लेकिन हमारे लिए अच्छी उसमें की एक चीज जो हमको अभी तक जो भी लग रही है वो एक ही है कि अभी तक किसी ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से मौत होने का डर बढ़ रहा है। ये जब तक नहीं होता, ये अगर इन्फेक्शन ही करके स्प्रेड होगा तो उसको बहुत ज्यादा उसका असर होगा ऐसे बोल नहीं सकेंगे, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। हम सबको एक याद रखना है कि ये जो वैक्सीन्स है ये इंसान की हॉस्पिटलाइजेशन का चांस और मौत होने का चांस ये दोनों से वो रोकती है, यानी इंसान की जान बचाएगी। लेकिन ये माइल्ड इन्फेक्शंस या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन इनको रोक नहीं सकती ना। ये वैक्सीन की कुछ खामियां हैं, लेकिन हमको अपने आप की जान बचाना है, हम लोगों ने आगे जाके वैक्सीन लेना है। और हमको वैक्सीन लो या मत लो, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, जिसकी वजह से ये वेरिएंट हो या कोई दूसरे दूसरा विषाणु हो वो हमारे शरीर में ना जाए। ठीक है, डॉक्टर अशोक सेठ ये